दोस्तों नमस्कार, आपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, जो लोग कल तक जिनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, आज उन्हें उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। बस यही दुनिया है, चाहे कितना भी अच्छा करो, लोग लाख अच्छाई भुलाकर बुराई ही याद रखते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी टीम इंडिया ने इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में शुरू से लेकर लास्ट तक चीते की तरह पूरे जी जान से लड़ते हुए सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है, अपना 100% दिया है। बस ये मानकर चले कि कल का दिन हमारा नहीं था, कल का दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए था। ये तो लगभग हर एक भारतीय की हार्दिक इच्छा थी कि वर्ल्ड कप हमारे ही झोली में आए। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जहां दो टीमें आमने सामने खेल रही होती हैं, उस खेल में यह निश्चित है कि एक को हारना है और एक को जीतना है। यह बिल्कुल सही बात है कि इंडियन टीम के बेस्ट प्रदर्शन को देखते हुए हम बहुत अधिक उम्मीदें लगा लिए थे वर्ल्ड कप को लेकर, मगर फाइनल में वैसा हो नहीं सका। और जब किसी की उम्मीदें टूटती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। उम्मीदें टूटने से सिर्फ हम ही क्यों, हमारे सभी इंडियन प्लेयर भी मैदान में काफ़ी भावुक दिखे। ऐसा तो है नहीं कि वे जानबूझकर हार गए, अपने शौर्य पराक्रम और वीरता का उन्होंने अंत अंत तक परिचय दिया है। बस कल का दिन हमारा नहीं था। दोस्त, हमें खेल भावना से चीजों को समझना होगा, यहाँ हार जीत लगे ही रहना है। बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि बहुत अच्छा चांस था भारत के इस 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में विश्व विजेता बनने का, बट ना बल्लेबाज काम आ सके और ना गेंदबाज ही, चकनाचूर हो गया विश्व विजेता बनने का सपना। फाइनल में बिखर गई पूरी टीम। दोस्त, टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया, यहां तक पहुंच के फाइनल की हार का दुख होना लाजमी है, लेकिन फिर भी अपनी टीम को खूब सारा हौसला और प्यार। अब हर मैच में अपना 100% देने के बाद भी यदि फाइनल में जीत नहीं मिली तो मानकर चले हमारे किस्मत में जीत नहीं थी, हमारे किस्मत में 2023 का विश्व विजेता बनना नहीं था। हमें हर हाल में सपोर्ट करना है अपने टीम इंडिया को, मगर हम जिस कॉन्सेप्ट से आस लगाए उम्मीद लगाए बैठे हैं जीत हासिल होने की, तो इस कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कुछ को जीतना है एंड कुछ को हारना है। यहाँ जीतेंगे तो सभी के सभी जीतेंगे, यहाँ किसी के आस और उम्मीद नहीं टूटने वाले, यहाँ किसी का भी भरोसा नहीं टूटेगा। हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर 100% खरे उतरेगा ऑन पैसिव। बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो 2-3 साल धैर्य रख लेने के बाद भी अभी तक अपनी सक्सेस शुरू नहीं होने से हमेशा अपनी हार और जीत को लेकर दुविधा में पड़े रहते हैं। जैसे ही कोई एक्साइटमेंट भरा अपडेट्स मिलता है या कोई अनाउंसमेंट होता है, वे अपनी जीत की कल्पना करने लग जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद सब कुछ शांत सा हो जाता है, सन्नाटा सा छा जाता है। वैसे परिस्थितियों में उन्हें कभी कभी अंदर से डर सताने लगता है हारने का, फेलियर हो जाने का, जबकि हमारे लीडर्स इस बात की गारंटी तक दे रहे हैं कि यहाँ एंगेज रहने वाले हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के सफल होने की 100% गारंटी है। फिर भी बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्हें इन बातों पर विश्वास करना बड़ी मुश्किल लग रहा है। तभी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पर्याप्त पैसे भी हैं वो कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन ले लेने के लिए, फिर भी वे अभी सब्सक्रिप्शन लेना नहीं चाह रहे हैं। मुझे तो लगता है अभी लगभग 50% से भी अधिक ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो अभी तक अपना सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए हैं, और ना ही अभी इसे लेने को लेकर वे सीरियस ही हैं। इसके रिगार्डिंग वे अभी यही सोच रहे हैं कि जब सितंबर अक्टूबर में पैकेज लेने वाले सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स तक को ऑटोमेशन के थ्रू यूजर्स एंड कमीशन मिलने लगेंगे, उसके बाद ही पैकेज बाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अभी बाहरी लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसके फाउंडिंग मेंबर्स को ही अभी पूरे दिल से विश्वास और भरोसा नहीं है यहां मिलने वाले अपने सक्सेस एंड अचीवमेंट पे। उन्हें ऑन पैसे पे पूरा भरोसा है, बट उन्हें अभी भी यही लग रहा है कि ऑन पैसे में जो लोग पहले से डायरेक्ट यूजर्स बना लिए हैं, बस उन्हें ही यहां मिलेगी सफलता। सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स बस आस एंड उम्मीद लगाए ही रह जाएंगे, और जब तक AI ऑटोमेशन के थ्रू ऐसे लोगों को यूजर्स एंड कमीशन मिलने नहीं लगेंगे, तब तक कुछ इस तरह की बातें होती रहेंगी, चलती रहेंगी उनके मन में। और जैसे ही ये सब शुरू हो जाएगा, सबसे अधिक उत्साहित यही लोग रहेंगे, क्योंकि ऑन पैसिव से सबसे अधिक आस और उम्मीदें भी ऐसे ही लोगों ने लगाया है जो एक भी यूजर्स नहीं बना सके हैं और AI ऑटोमेशन के थ्रू अपनी जिंदगी बदलने के राह देख रहे हैं, अपनी जरूरत और सपने पूरे होने के राह देख रहे हैं, इनकम कमीशन मिलने शुरू होने के राह देख रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही मिस्टर एस ने दिसंबर के स्टार्टिंग में ही एस बम के घोषणा करने के बारे में अपडेट्स दिए हैं। इसे भी लेकर अलग अलग राय हैं सभी फाउंडिंग मेंबर्स के। कोई कह रहा है कि एस बम हमारे बोनस कमीशन एंड सक्सेस शुरू होने से ही रिलेटेड रहने वाला है, कोई कह रहा है कि इस दिसंबर से निश्चित रूप से हमारे सक्सेस शुरू हो जाएंगे, तो कोई कह रहा है कि ऐसे कई बार पूर्व में भी घोषणा हुए हैं परमाणु बम की एंड धमाके की, यह कोई पहली बार
बम का घोषणा नहीं हुआ है। ऐसा कई बार हुआ है जब लोगों को लगा है कि इस बार जरूर हमारे सफलता का शुभारंभ हो जाएगा, और हुआ क्या, ये परिणाम सभी को पता होगा। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स तो यहां तक कह रहे हैं कि देख लीजिएगा, हम जिन चीजों के इंतजार कर रहे हैं वह 2023 की तो बात ही छोड़ दीजिए, 2024 में भी होने की संभावना कम ही है, 2025 का इंतजार करना होगा हमें। दोस्त चलिए थोड़े देर के लिए ऐसे लोगों की बातें मैं भी मान लेता हूं, कम से कम हुए इतना तो कह रहे हैं ना कि हमें अपनी सक्सेस शुरू होने के लिए 2025 का इंतजार करना होगा। 2025 भी शुरू होने में पूरे लगभग 13 महीने बचे हैं। अगर एक साल बाद ही हमारे सक्सेस शुरू होते हैं, हमारी जिंदगी बदलने शुरू होते हैं, हमारे सारे जरूरत और सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं, हम फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर बढ़ने लगते हैं, क्या वह हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन तक के लिए बेहतर नहीं होगा? बट सबसे बड़ा सवाल कि हम ऐसा सोचे ही क्यों कि हमें 2025 का इंतजार करना होगा अपनी सक्सेस के शुरुआत होने के लिए। हम उसके जगह ये क्यों ना सोचे कि हम जिस चीज के होने का सालों से इंतजार करते आ रहे हैं उस सब कुछ इसी साल 2023 में ही शुरू होगा। ऐसी तो बात है नहीं कि ऐसा सोचने में हमारे जेब से कोई पैसा खर्च होने वाले हैं। जब कुछ सोचना ही है तो हम अच्छा और बेहतर क्यों ना सोचे, कुछ पॉजिटिव क्यों ना सोचे। 2023 में ही सब कुछ शुरू हो जाने के हमें संकेत भी मिलने लगे हैं एंड आसार भी नजर आ रहे हैं। जो भी हम पे इन एंड पे आउट के रिगार्डिंग अभी तक कुछ प्रॉब्लम देखते आ रहे हैं उसके बारे में सीईओ मिस्टर एस ने कह ही दिए हैं कि बहुत जल्दी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। पेमेंट करने और पेमेंट लेने के रिगार्डिंग अब थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, सब कुछ स्मूथली फास्टली रन करने लगेगा। ओकनेक्ट पे तमाम तरह के मीटिंग वेबिनार होने ही लगा है और इसके बारे में भी सीईओ ने कह दिए हैं कि यह इसी महीने से वायरल होने लगेगा। हमारा वो वेरीफाई आ रहा है, वो ट्रेकर एंड वो डेस्क आने वाले हैं, उसके बाद वो स्टाफ, वो एकेडमी, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो एक के बाद एक लॉन्च होने वाले हैं। और इसी बीच एस बम को लेकर भी दिसंबर के स्टार्टिंग में ही कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं सीईओ मिस्टर एस। आखिर इतने बड़े लेवल पे इतनी सारी तैयारियां किस लिए हो रही हैं? जाहिर सी बात है फाउंडिंग मेंबर्स के सक्सेस के शुभारंभ करने के लिए। चूंकि यह मिस्टर एस को भी पता होगा कि अब चाहे कितना भी बड़ा अपडेट्स दे दिया जाए, कितना भी बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया जाए, कितना भी बड़ा बम फटे, कितना भी बड़े धमाके हो, अगर वह फाउंडिंग मेंबर्स के इनकम से, बोनस से, कमीशन से, सक्सेस से रिलेटेड नहीं होगा तो उससे बहुत खास मतलब नहीं रहेगा अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स को। क्योंकि 1 सितंबर से पैकेज परचेजिंग शुरू होने के बाद लोग बस एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, अपनी सक्सेस की शुरुआत होने का, एआई ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिक यूजर्स एंड कमीशन मिलने का। अब ऐसे सिचुएशन में भी सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स ही मिलते रहें, अनाउंसमेंट ही होते रहें तो भला कैसे चलेगा? ऐसी बात नहीं है कि इन सब बातों को नहीं समझ रहे होंगे सीईओ मिस्टर एस, उन्हें हर एक चीज के बारे में पता होगा। तभी तो उन्होंने कहा भी है कि निराश बिल्कुल भी मत होइए, सब कुछ आप ही लोगों के लिए हो रहा है ऑन पैसिव में। थोड़े देर होने से क्या हुआ, आपको यहां इतना मिलेगा जितना शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा। दोस्त हम माने या ना माने ये तो हमारी मर्जी है, बट यह बिल्कुल सही बात है कि पूरा का पूरा ऑन पैसिव मैनेजमेंट एंड सीईओ मिस्टर एस जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ हमारे लिए ही कर रहे हैं, हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं, हमारे ही सपनों को पूरे करने के लिए कर रहे हैं। किसी भी नए प्रोजेक्ट पे, नए सिस्टम पे, नए प्लानिंग पे, नए आइडिया पे काम हो रहा होता है उसमें थोड़े बहुत समस्याओं का आना, चुनौतियों का आना, कुछ बाधाओं का आना स्वाभाविक है। ऐसा तो हमारे आम जीवन में भी होता है और यहां तो लाखों लोगों की जिंदगियां बन रही हैं, लाखों लोगों के जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन रात काम हो रहा है। ऑन पैसिव में सिर्फ डिजिटल या फिजिकल प्रोडक्ट के ही निर्माण नहीं हो रहे हैं, यहां हम लाखों लोगों के फ्यूचर का, सक्सेस एंड अचीवमेंट का भी निर्माण हो रहा है। हमारी उम्मीदें, हमारे सपने गूगल, फेसबुक, एप्पल्स, अमेज़न जैसी कंपनियों से नहीं जुड़े हैं, हमारी उम्मीदें, हमारे सपने ऑन पैसिव से जुड़े हैं क्योंकि यहां हमारे ब्राइट फ्यूचर के निर्माण हो रहे हैं। दोस्त सोच कर देखिए, जिस दिन भी ऑन पैसिव पूरे दुनिया में स्थापित कर लेगा अपने आप को, कई सारे दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ देगा, उस वक्त कितने बड़े पोजीशन पे होंगे एक एक फाउंडिंग मेंबर्स, कितनी बड़ी उनकी अहमियत होगी, हैसियत होगा, हम वाकई उसके कल्पना अभी नहीं कर सकते। दोस्त भरोसा रखें, दिसंबर 1 वीक में ही हमें बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलने वाला है और दिसंबर के 1 वीक शुरू होने में समय ही कितना है, इस नवंबर में और पूरे 10 दिन बचे हैं, उसके बाद दिसंबर ही तो शुरू होना है। जिस हिसाब से एस बम को लेकर तमाम लीडर्स द्वारा प्रमोट किया जा रहा है उससे तो स्पष्ट लग रहा है कि कुछ ऐसा धमाल जरूर होने वाला है जो हिला के रख देगा सभी को, खुशी के मारे झुमा के रख देगा सभी को। बस थोड़ा इंतजार कर लें, हम 100% कामयाब होंगे। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।